नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ छवि। अनूपपुर जिले के कोतमा के युवाओं ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोतमा को उपलब्ध कराई दवाइयां। कोतमा में एक नवाचार की शुरुआत हुई, गरीबों को बाहर से खरीदनी नहीं पड़ेंगी दवाइयां। कई बार हॉस्पिटल में दवाओं के अभाव में मरीजों को बाहर से दवाइयां लेनी पड़ती थी। अनूपपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोतमा में कई बार अस्पताल में दवाओं का अभाव होने पर मरीजों को दवाओं की खरीदी बाहर किसी मेडिकल स्टोर से करनी पड़ती थी और गरीब परिवार इस दंश से काफी व्यथित था। कोतमा नगर के युवाओं ने इस और विशेष रूप से गंभीरता दिखाते हुए एक नवाचार की शुरुआत की और सरकारी अस्पताल में कुछ दवाइयां अस्पताल प्रबंधन को उपलब्ध कराई, जिससे कि गरीबों को दवाइयों के लिए बाहर न भटकना पड़े। सर, आज दवाइयों की कमी आ रही थी। एक्चुअल में क्या है, डेली अभी जैसे परिस्थिति चल रही है उस हिसाब से ओपीडी लोड बढ़ते जा रहा है ना, लेकिन हमारी जो मांग अनुरूप दवाइयाँ की उपलब्धता भी थोड़ी सी नहीं हो पा रहा था, जिससे कारण वो दिक्कतें फेस हो रही है। ऐसी जो डेली ज़रूरत की जो दवाइयाँ थी वह जो जिला अस्पताल से किस रूप में कम मिलती थी, बताया जाता था कि जैसे डाइक्लोफीन है जो डेली यूज़ की जाती थी, 1 लाख मांगने पर हमको 15 दवाइयाँ उपलब्ध होती थी। आखिर क्या ऐसा कारण था कि वो दवाइयाँ हमको कब मिलती थी? नहीं, ये कुछ टेक्निकल रीज़न हो सकता है कि वहाँ पे भी उपलब्ध कम हो, क्योंकि सीमेजो साहब के पास जो अधिकार तो है नहीं, उसके प्रोसेसिंग अधिकार, उसमें मेन हमारे जो केंद्र है भोपाल, वहाँ से उपलब्ध कराया जाता है। सबसे पहले तो हम सभी साथियों का धन्यवाद करते हैं, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष बल्लू भैया, अशोक भाई, अभिषेक सराफ जी, प्रदीप भाई और दीपेश जैन जी का जिनका आज बर्थडे है। सबके सहयोग से आज ये नई चीज निकाली गई कि दवाई अमूमन यूज होती है। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो मेडिकल में यूज हो रही हैं लेकिन हॉस्पिटल में तकनीकी कारण उपलब्ध नहीं है, तकनीकी कारणों के कारण उपलब्ध नहीं थे। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास सच में इतनी भी इतने पैसे नहीं रहते कि वो इन 100-200 रुपए की दवाइयों को खरीद सकें, तो इसके कारण हम सभी साथियों ने आज ये निश्चय लिया कि अब एक नई परंपरा की शुरुआत की जाए और हमेशा जैसे ही ये जनरली यूज़ होने वाली दवाइयाँ हॉस्पिटल में कम पड़े तो किसी न किसी आपसी सहयोग करके इन दवाइयों को डोनेशन किया जाए, ताकि यहाँ पे आने वाले अति गरीब श्रेणी या अति पिछड़े लोगों को किसी भी तरह की दवाइयों की कमी न चाहिए। जो आज से परंपरा आप लोगों ने